जैसे ही आप इस तावीज पर एक मंत्र पढ़कर इसे जला देंगे, आपके सामने परी हाजिर होगी जो आपके ख्वाहिशात पूछेगी। इस अमल को कैसे करना है, कब करना है, किस टाइम करना है, नक्श कैसे लिखनी है, तो चलिए आप भाइयों को बताते हैं। आज जो अमल मैं आप भाइयों के लिए लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये शैतान की बेटी फराह की हाजिरी का अमल है। इस अमल को सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। मर्द क्यों कह रहा हूँ, आगे जाकर आपको पता चलेगा। इस अमल को मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों ही कर सकते हैं। हम बिस्तरी लाजमी होगा क्योंकि परी फराह की ये शर्त होगी। ये अमल रात के वक़्त का अमल है, आपने इस अमल को रात के वक़्त करना है। इस अमल के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल के लिए हसार की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस अमल को बग़ैर हसार के ही कर सकते हैं। इस अमल को सिर्फ 18 साल से ऊपर ही लोग कर सकते हैं, 18 साल से छोटे इस अमल को नहीं कर सकते। इस अमल को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी, आपको इस अमल को करने के लिए काला मार्कर और एक सफ़ेद कागज़ की ज़रूरत होगी जो दोनों तरफ बिल्कुल भी सफ़ेद हो। इस अमल में आपने एक नक्श लिखनी है, जो कि मैंने पहले से ही इस नक्श को बना लिया है ताकि टाइम बच सके। तो चलिए अब मैं आपको नक्श बताता हूँ। आपने बिल्कुल भी इसी तरह खाने बनाने हैं जैसे खाने बने हुए हैं। जब आप इस तरह खाने बना लेंगे तो ऊपर एक कोने में लिखा हुआ है फिरौन, दूसरे कोने में लिखा हुआ है इबलीस और नीचे लिखा हुआ है बे तोएं, यहाँ पर भी बे तोएं। इसके अंदर लिखा हुआ है पहले खाने में ऐन, दूसरे खाने में तोएं और फिर स्वाद, और आगे लिखा हुआ है शैतान परी। फिर इसके नीचे हिंसे लिखे हुए हैं, इन हिंसों को आपने इसी तरह लिखना है जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये इस तरह आप कंप्लीट तौर पर बना लेंगे तो आपने 1111 मर्तबा इस मंत्र को पढ़ना है जो कि स्क्रीन पर आ रही है। मैं आप भाइयों को पढ़कर सुनाता हूँ। वरा फत अल मकला अस्पा से, वरा फत अल मकला अस्पा से। आपने इस मंत्र को 1111 मर्तबा पढ़ना है और फिर आपने इस नक्श को जला देना है। जैसे ही आप इस नक्श को जला कर राख करेंगे, आपके सामने एक खूबसूरत सी परी हाजिर होगी जो आपसे सबसे पहले हम बिस्तरी का कहेगी। आपने उसके साथ हम बिस्तरी करनी है, उसके बाद आपने उसके साथ दोस्ती करनी है और फिर आपने अपने तमाम ख्वाहिशात उसे बताने हैं। वो परी आपके तमाम ख्वाहिशात पूरी करेगी, आपके लिए बे इंतहा धन दौलत लाएगी, आपके हर ख्वाहिशात को पूरी करती जाएगी। याद रहे, इस परी के बारे में आपने किसी को नहीं बताना, आपने इस अमल को राज ही रखना है। उम्मीद करता हूँ कि आप भाइयों को इस वीडियो से फ़ायदा हो। दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलूँगा खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।